अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे बीट एक्सपी रुक नहीं रहा है। यहाँ पे बीट एक्सपी की फ्लेयर प्रो तो आपने देखा ही, मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर दिया। तो गैस एक और बीट एक्सपी की वॉच आने वाली है ऑन फ्लिपकार्ट, यस आपने से सुना, और इस तरीके के लुक में मिलेगी। बट इस बार आपको पुश बटन नहीं, इस बार रोटेटेबल क्राउन के साथ वॉच मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ प्राइसिंग भी बहुत ही खतरनाक रखी है उन्होंने, 1199 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में रखा है, 1199 जो कि एक स्वीट स्पॉट होता है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने टारगेट किया है। और इस बार भी आपको ये है कि बीट एक्सपी फ्लेयर प्रो की तरह ही पॉलीकार्बोनेट का मिलने वाला है। इसका जो डायल है केस मेटल का नहीं मिलेगा जैसे कि बीट एक्स में मिलता था, तो ये है कहीं ना कहीं फ्लेयर प्रो की तरह ही पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलने वाला है। और क्या कुछ फीचर्स रहेंगे इसमें, क्या कुछ खास रहेगा, कुछ नया होगा या सेम आपका बीट एक्स पे रहेगा, कोई कॉपी कर दिया यूआई को, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वैसे अगर आप चैनल पे आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सारे के सारे फीचर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेशन भी दूंगा, और क्या इस वॉच से बेटर भी कोई वॉच हो सकती है मार्केट में, वो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, तो वो भी सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और कुछ क्वेरीज भी आपकी एक्स्ट्रा लूँगा इस वीडियो में, मतलब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसमें स्टोर कर सकते हैं सॉन्ग्स को या नहीं, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगी कि नहीं, इसमें 60Hz का स्मूथ यूआई होगा कि नहीं, या एमोलेड डिस्प्ले होगी, या कितना पिक्सल साइज होगा, सब कुछ यहाँ पे A to Z यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और 1 लाख तो बनता है गाइस इस वीडियो के लिए। उसी के साथ साथ गाइज हमारा एक और चैनल है, वो है हमारा टीपी शॉर्ट्स करके, जहाँ पे हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं इन इंग्लिश, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ पे भी हम बहुत सारे शॉर्ट्स को अपलोड करते रहते हैं। वो स्पेसिफिकली शॉर्ट्स वाला चैनल है, उस पर शॉर्ट्स वीडियो ही डालते हैं हम, टीपी शॉर्ट्स करके आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीट एक्सपी सिग्मा पैशन रीइमेजिन्ड, तो इस तरीके से लुक मिलता है आपको, और यहाँ पे छोटे डिस्प्ले मिलती है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी दी गई है, जो कि आपके लास्ट मीडियम टू थिन तीन रिच पे चल सकती है, बट ये स्किनी और स्किनी रिच पे नहीं चल पाएगी, थिन रिच पे चल जाएगी, ठीक है। और लुक और फील तो अच्छा लग रहा है, फॉर्मल लुक टाइप की लग रही है देखने में। 1.38 inches की अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिलती है, अल्ट्रा HD तो नहीं है, मेरे ख्याल से 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है इसके अंदर, हाँ 240x240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलता है इसमें, एनालॉग और डिजिटल वाला, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखोगे 7-8 घंटे में बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये है कहीं ना कहीं बीट एक्सपी सिग्मा में। उसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास है, ब्लैक बॉर्डर आपको चारों तरफ मिलेंगे, जैसे कि बीट एक्सपी प्लेयर प्रो थी ना, वही सेम आप समझ लीजिए इसको, बट फ्लेयर प्रो में थोड़ा सा और अलग डिज़ाइन मिलता था, इसमें थोड़ा सा अलग डिज़ाइन मिलता है, ठीक है। तो ये है बस पावर बटन की तरफ से अलग डिज़ाइन है, नहीं तो सेम ही है। फ्लेयर प्रो आपकी अमेज़ॉन पे लॉन्च हुई थी, ये फ्लिपकार्ट पे हो रही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको इसमें और फ्लेयर प्रो में। एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, ईजी पेयर टेक्नोलॉजी है, मतलब ब्लूटूथ 5.3 प्लस 3.0 दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबल कनेक्शन मिलेगा, बैटरी भी ज़्यादा खपत नहीं होगी, बट वही मैंने आपको बताया कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ज़्यादा मतलब यूज़ करोगे तो बैटरी जल्दी ख़त्म होगी इसकी। द रिंग ऑफ कनेक्शन, फेवरेट कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे सेव कर पाओगे, और सीमलेस कॉलिंग, और साथ में क्विक डायल पैड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। हेल्थ मॉनिटरिंग की बात करें यहाँ पे, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, और साथ में ब्रीद ट्रेनिंग का ऑप्शन, और साथ में फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स आपके प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है इसमें आपको, जो फ्लेयर प्रो में नहीं था, फ्लेयर प्रो में पुश बटन था बेसिकली, तो इसमें आपको रोटेशन क्राउन मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, जो कि एक बहुत ही कमाल की डील हो जाती है। जैसे कि बीट एक्सपी मार्व रेज, बीट एक्सपी मार्व एस अभी आई हाल फिलहाल में, तो उसमें भी रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपको रोटेटेबल क्राउन वाला ऑप्शन सीन दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, आप जौन सा चाहो वो स्पोर्ट्स मोड लगा सकते हो। इसका UI कैसा होगा, देखो UI बीट एक्सपी फ्लेयर प्रो की तरह मिलने वाला है आपको इसमें, ठीक है। और बट आप एक कदम आगे चल लो, बीट एक्सपी वेगा वाला UI मिलेगा, क्योंकि बीट एक्सपी वेगा में एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक्स्ट्रा दे रखी है, दैट्स इट, बट उसमें एमोलेड डिस्प्ले, इसमें जो आपकी मिलती है बीट एक्सपी सिग्मा में, इसमें आपको TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया है। वैसे AI वॉइस असिस्टेंट का तो ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको इसमें, उसी के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को इसमें मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है।
आगे बात आती है द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। यहाँ पे 4x कलर शेड्स में देखने को मिलती है वॉच। आप इसमें से चूज कर सकते हो, गर्ल्स के लिए रोज गोल्ड या क्रीम कलर बेसिकली, और सिल्वर वाला ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बॉयज़ के लिए तो ब्लू और वो वाला सही है। IP67 की रेटिंग मिलती है, तो ये मेरे को थोड़ा सा कमी लगी। IP68 कम से कम कंपनीज को देना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी लैग कर रही है मैक्सिमम वॉचेस में। 200 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेस, तो अपने मूड के अकॉर्डिंग आप वॉच फेस भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, और अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, ये भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। उसी के साथ साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का स्मूथ यूआई मिलने वाला है, इंस्टेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलता है बट क्विक रिप्लाई नहीं कर सकते आप, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, वॉच में सॉन्ग सुन सकते हो बट स्टोर नहीं कर सकते, एज अ शटर स्पीकर यूज़ कर सकते हो वॉच को, वॉच से सॉन्ग्स को कंट्रोल भी कर सकते हो फ़ोन में, ठीक है। वेदर अपडेट भी देखने को मिल जाते हैं, और बैटरी लाइफ भी इसकी करीब करीब 2 दिन तक ऑन कॉलिंग चल जाएगी, फिटनेस मोड्स पे 3 से 4 दिन रन कर जाएगी ये। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन तो है ही है, और मल्टीपल मेन्यू स्टाइल मिलते हैं आपको, 3x4x मेन्यू स्टाइल आपको मिल जाएंगे, लिस्ट ग्रिड आई वॉच टाइप का मेन्यू इन सब तरीके से मिल जाएगा, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है ही। तो आप ये समझ सकते हो BeatXP वेगा की डिट्टो ये कॉपी है बट विद कह सकते हो थोड़ा सा इन्फीरियर डिस्प्ले, है ना। BeatXP वेगा में आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले। तो गाइस भाई ये कि मतलब 800 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको ऑन ऑफर BeatXP वेगा 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है, बट ये आपको मिल रही है 1200 रुपये में। तो गाइस 800 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस है, तो 800 रुपये में आपको अगर AMOLED डिस्प्ले चाहिए, मतलब 800 रुपये और मिला के AMOLED डिस्प्ले आप ले सकते हो, या तो आप इसके लिए जा सकते हैं अगर आपका बजट कम है, ठीक है। और डेडिकेटेड सेंसर रेड और ग्रीन एक्शन का पीछे एक साइड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ 22mm स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का आप इसमें यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गैज़ क्या 1200 रुपये में ये वर्थ है बाय करना, या कोई और वॉच के लिए आप जाना चाहेंगे? तो गैज़ देखो सिंपल सी बात है, अब इस प्राइस ब्रैकेट में AMOLED डिस्प्ले तो आपको मिलेगी नहीं, बट एक सजेशन रहेगा कि अगर आप AMOLED डिस्प्ले देखते हो तो 1500 तक में तो ज़रूर मिल जाती है आपको, जो कि है एम्ब्रेंड की वाइज ग्लेज, ठीक है, वो है स्क्वायर डायल में। सर्कुलर डायल में बहुत कम वॉचेज हैं जो 1500 में AMOLED डिस्प्ले देती हैं, मेरे ख्याल से ना के बराबर हैं, तो इसमें भी खासकर नहीं मिलता है। तो एक चीज़ और है कि अगर आप थोड़े से पैसे डाल सकते हो तो ऑन ऑफर BeatXP वेगा को आप उठा सकते हो 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी, सारे के सारे फीचर डिटो यही वाले मिलेंगे आपको, बट उसमें 1000 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी, तो वो काफ़ी बेटर हो जाता है, ठीक है। और इसमें कहीं भी कैलकुलेटर ना ही यहाँ पे कैलेंडर ना ही गेम्स का ऑप्शन दिया गया, बट मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। अब BeatXP बता नहीं रहा है और सारे फीचर, बट दे रहा है ज़रूर, क्योंकि BeatXP मार्व एस में भी नहीं बताया था उसने गेम्स कैलकुलेटर और कैलेंडर ये सब चीज़ें, बट मिली जब मैंने अनबॉक्सिंग किया, ठीक है। तो इसका अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगा, वैसे ही सिंपल सा प्रीव्यू था BeatXP सिग्मा के लिए। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना, बेल आइकन को ऑल कर दो। तो गाइस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।